अब आपको अली बारा बंकवी को सुनना है, ठीक है? एक बार पहले तालियां बजा करके आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, सुनने के मूड में आ जाएं। अनवर कमाल साहब ने कहा कि शाम तक सर उतर गया साहेब, सर उतरने की बात उन्होंने की। हां तो मैं उससे मतलब नहीं है, मतलब हमको यहां है, सर उतरने की बात इन्होंने की, सर की बात इन्होंने की। अगर आप कहिए तो छह मिसरे मैं सुना देता हूं, छह मिसरे। अगर सुनने के मूड में हो एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ताकि अली बाराबंकी को सुनने का आपका मूड बन जाए। थोड़ा मेरा भी जहन मुंतशिर है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एकजा हो जाए। आइए मैं छह मिसरे पेश करता हूं। करबला का मैदान है, नोके नेजा पे इमाम हुसैन का सर बुलंद और शंकर कैमूरी के छह मिसरे। के इश्के हुसैन हासिले ईमान बन गया, इश्के हुसैन हासिले ईमान बन गया, इश्के हुसैन हासिले ईमान बन गया। ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत से करबला का वो मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा अकबरे जीशान बन गया। और नैजे पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। आइए मैं अली बाराबंकी से गुजारिश करता हूं। अली बाराबंकी का पढ़ने का बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज है, खूबसूरत लहजा है। मैं चाहता हूं कि अली बाराबंकी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। अली बाराबंकी माइक। हाजरीन महफिल, डेस्क पे बैठे हुए शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप हमें लग रहा है बहुत थक गए हैं दाद देते देते, हाशिम भाई ने आपको बहुत थकाया आज। बहरहाल बहुत अच्छा आपने सुना हर शायर को, उम्मीद रखता हूँ कि इस छोटे भाई को भी आप सुनेंगे। एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आइए दोस्तों, एक मतला और दो शेर में पढ़ता हूँ, मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं अगली सफ में। गज़ल का एक मतला और दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में जो हुक्म होगा इंशाल्लाह पढ़ूंगा। बिल्कुल नई गज़ल मैं चाहता हूँ, दरभंगा में अगर आपने मोहब्बत से सुना तो पूरे हिंदुस्तान में मैं मोहब्बत से सुना जाऊँगा। पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। एक इंसान का वाह वाह, एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है। क्या प्यारा अंदाज, गजल का मतला समाज फरमाए। एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है, एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है। मेरे झकता क्या है। आ मेरे वाह 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 वाह, झकता क्या है। आ मेरे पास, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ। हाँ हाँ हाँ, अली बाराबंकी जिंदाबाद, वाह वाह। और दोस्तों, अभी जब चांदनी शबनम का नाम लिया जाता था, मेरे जो सामने दोस्त बैठे हो बड़ा उछल के दाद देते हैं, मैं एक शेर उन्हीं के हवाले से पढ़ता हूँ। अगर बात मुकम्मल हो गई हो, मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हो, सबकी दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ समाज फरमाए। एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है, आधे चेहरे को दुपट्टे से
छुपाना कैसा। वाह 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 वाह। चांदनी कहाँ गई? अच्छा ठीक है। आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा। दूसरा मिसरा, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे कि मेरे दूसरे मिसरे की हिफाजत करना। समाज फरमाए, एक इंसान को आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा। आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा। ये पर्दा पर्दा क्या है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद अली भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। पंडाल हाथ उठा के मुझे इजाजत दे। हाँ माशाल्लाह। एक इंसान को आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा। आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा। आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा। ये पर्दा पर्दा क्या है। ये पर्दा तो फिर इस्लाम का पर्दा क्या है। और इसी सिलसिले का एक शेर और पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह मुझे दुआएं मिलेंगी। पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। ये है पर्दा तो फिर चेहरा तो दूर है। नहीं भैया ये नहीं है। हाँ। बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप। यहाँ सब तालिबे इल्म है, मैं भी आपका छोटा भाई अली बाराबंकी। पढ़ता हूँ समाज फरमाए। चेहरा तो दूर है आवाज न बाहर जाए। चेहरा तो दूर है, चेहरा तो दूर है। दरभंगा के अच्छे सामाइन, आप मुझे सुन के बताएंगे अली बाराबंकी, तब पढ़ के बताएगा कैसे शेर पढ़ेगा। चेहरा तो दूर है आवाज न बाहर जाए। चेहरा तो दूर है आवाज न बाहर जाए। मुझे ये तमाशा क्या है। हुक्म जब ये है तो वाह वाह वाह, तमाशा क्या है। बहुत अच्छे अली भाई, वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। फैशन का तमाशा क्या है। अपने शौहर के लिए सिर करो घर में सिंगार। वाह वाह वाह। मेरा बड़ा भाई है तुरात तशीफ, पढ़ता हूँ समाज फरमाए। अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार। दूसरा मिसरा चौका है तो सबकी दाद चाहता हूँ, पढ़ता हूँ। अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार। फातिमा वालिया
वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों के साथ। वाह वाह बहुत खूब। अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार, अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार। फातिमा वालियों, फातिमा वालियों, बाजार में फिरना क्या है। फातिमा वालियों, बाजार में फिरना क्या है। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, दुनिया में न गफलत में रहो। क्या बात है, क्या बात। इनकलाब आएगा, दुनिया में न गफलत में रहो। इनकलाब आएगा, दुनिया में न गफलत में रहो। वक्त के माते देखो जरा लिखा क्या है। वक्त के माथे पा देखो जरा लिखा क्या है। वक्त के माथे, आइए मैंने बिल्कुल नई गजल पढ़ी, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। चार मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास समाज फरमाए, थोड़ा सा मूड चेंज करता हूं आपका। आ जाइए अपने रंग में, राम रहीम को जहन में रखे, मैं पढ़ता हूं चार मिसरे समाज फरमाए। क्या बात। अच्छा अच्छा, मैं दिले नादा। अच्छा हाँ, देख लीजिए भाई मैं पढ़ूंगा भाई, आपकी फरमाइश मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना, चार मिसरे पढ़ता हूँ, चौथा मिसरा इंशाल्लाह आपको चौंकाएगा। पढ़ता हूँ समाज फरमाए, जो मेरी बात है अगर वही आपकी भी बात हो, सबकी दुआएं हाँ। चाहता हूँ समाज फरमाए। जी जी इरशाद। लड़कियों की, लड़कियों की इस मतें जो कर रहे हैं तार तार, आहा कर रहे जो तार। लड़कियों की इस मतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार, उनको उनको जिल्लत के समंदर में डिबोना चाहिए, में डुबोना चाहिए उनको, जिल्लत के समंदर में डुबोना चाहिए, में डुबोना चाहिए। धर्म का चोला पहन गए, धर्म का चोला पहन कर, धर्म का चोला पहन कर, जो करे अय्याशिया ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी होना चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई अली बाराबंकवी। वाह वाह वाह, क्या बात। मोहतरम की मुझे दुआएं मिली, मैं दोबारा पढ़ दूं बहुत, पूरा पंडाल हाथ उठा के इजाजत है। पीछे वाला भी जोरदार तालियां बजा के, जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया हाजिर करता हूं।
लड़कियों की इसमतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार, उनको जिल्लत के समंदर में डुबोना चाहिए, में डुबोना चाहिए। धर्म का चोला पहन के ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। दोस्तों, ये जो बीच का खित्ता है, ये हर शायर को डट के सुन रहा है, वो चाहे गजल का हो चाहे हालात की शायरी हो। दोस्तों, मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, अगर शरीयत पे कोई आँच आई तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये जो आगे के सब के लोग हैं ये सबसे पहली सब में वही नजर आएंगे। चार मिसरे पढ़ता हूँ शरीयत के हवाले से, समाज फरमाए। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चांदनी भी आ गई, आप देख सकते हैं उनको, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल देखें। और शेर नब्ज की हरारत को उंगलियां समझती हैं जी, नब्ज की हरारत को उंगलियां समझती हैं, आँख की शरारत को लड़कियां समझती हैं। मैं पढ़ता हूँ चार मिसरे जिसकी मैंने बात की, पढ़ता हूँ समाज फरमाए, इंशाल्लाह मुझे दुआएं मिलेंगी। पढ़ता हूँ, शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई है। वाह वाह, जुड़िएगा समाज फरमाए। शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई है, कोई तरमीम इनमें हुक्मरान करवा नहीं सकते, कोई तरमीम इनमें हुक्मरान करवा नहीं सकते, कोई तरमीम इनमें हुक्मरान करवा नहीं सकते। ये सल्तन पर मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं सकते, मुसलमान इन वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अली बारा बंकवी, वाह वाह, जा नहीं सकते, बहुत अच्छे। मुसलमान इन हदों से, एक बार फिर हमारा मुशायरा सच गया, वाह वाह वाह, शुक्रिया। मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज़ जा नहीं सकते। और दोस्तों, चार मिसरे और पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज़ जा नहीं सकते। आइए चार मिसरे और पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कहीं का भी हो, वो अपने ऊपर तो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर कोई सरकारे दो आलम पे उंगली उठाए ये मुसलमान को कतई बर्दाश्त नहीं। अगर सीने में दिल है, दिल में धड़कन है, तो इंशाल्लाह अगली सब से लेके पिछली सब तक जिन्होंने अब तक की मुझे दाद नहीं दी वो इंशाल्लाह बोलेंगे इन चार मिसरों में। मैं बड़ी सही पढ़ता हूँ, आप भी बेदारी के साथ सुन के बताए, पढ़ता हूँ, पढ़िए पढ़िए। वाह, जा नहीं सकते वो हो कमलेश या तस्लीमा नसरीन, हो कि रुशदी हो
वो कमलेश वो कमलेश या तस्लीमा नसरीन हो कि रुश्दी हो, ये हैं मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। इनको दुनिया से मिटा देंगे। चौथा मिसरा संभालिएगा, पढ़ता हूँ। ये हैं मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। करेगा जो करेगा जो कोई तो ही सरकारे दो आलम की, मुसलमान काट लेंगे सर या सर अपना कटा देंगे मुसलमान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद अली जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। बहुत खूब बहुत खूब, हमारा मुशायरा एक बार फिर सच गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पढ़िए पढ़िए, जिंदाबाद। डॉक्टर इंतखाब साहब भी तशरीफ लाए, मंसूर साहब, इन्हीं के हवाले से आपके दरमियान में दूसरी बार हाजिर आया। इससे पहले इसी जी बहुत ढेर सारी दुआएं लेके मैं बाराबंकी गया। माशाल्लाह आपकी भी बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत। वाह वाह वाह। हाँ पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। अच्छा हाँ, मैं पढ़ दूंगा पढ़ दूंगा। पढ़िए पढ़िए, हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। मुसलमान काट लेंगे सर या सर अपना कटा देंगे। मेरे बुजुर्ग अगली सब में तशरीफ रखते हैं, आप बड़ी बेदारी के साथ सुन रहे हैं। मैं चार मिसरे तारीख की रोशनी में हाजिर करता हूँ। अगर लगे कि ये सलीके से चार मिसरे लग गए हो, चार मिसरे मिसरे से मिसरा लग गया हो, तो सबकी दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। जहां पर शेर बकरी एक दल पर पानी पीते हैं, जहां पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने। अगर बेटा अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको, उमर फारूक के जैसी अदालत लावो तो जाने। वाह 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 वाह, उमर फारूक के जैसी। हाँ बुला रहे बुला रहे बुला रहे बुला रहे। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां भाई अली बाराबंकी के लिए। भाई अली भाई, अभी और आपको लोग सुनना चाहते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अली बाराबंकी एक बार फिर माइक। हाँ देखिए कुछ फरमाइश भी है भाई। हाँ। यार आप जो बता रहे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ से क्या कह रहे हैं। हाँ देखिए तो नादा मोहन, अब समझ में आया मिश्रा। यार पूरा मिश्रा बताते तो बात समझ में आ जाती। सुन लीजिए, एक मतला और भाई की फरमाइश है, एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ या दो शेर, उसके बाद में एक गजल की फरमाइश थी, अच्छी नहीं लगती दुपट्टे के बिना लड़कियां, अच्छी नहीं लगती। वो गजल की
मैं उसको पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ एक मतला और दो शेर आपके वो दिले नादा जो बता रहे हैं। अब अच्छा एक राउंड हो भी जाए। ये चांदनी पड़ेगी ये। हाँ हाँ पढ़ता हूँ समाज फरमा गजल का मतला हाजिर करता हूँ। मुफलसी में हजरत दुआ चाहता हूँ समाज फरमाए। हाँ ये सुन सकते हैं आप भूतपूर्व नौजवान भी सुने नौजवान भी सुने। पढ़ता हूँ मुफलसी में प्यार करने की तमन्ना छोड़ दे। मुफलसी में प्यार करने की तमन्ना छोड़ दे। मुफलसी में प्यार करने की तमन्ना छोड़ दे। ऐ दिल नादा छोड़ दे। वाह 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 का इरादा छोड़ दे। ऐ दिले ना दा मोहब्बत का इरादा छोड़ दे। चांद जैसे चेहरे पे तुझको ना जाए गुरु। वाह वाह भाई पढ़ता हूँ। चांद जैसे हाँ आप मोहतरमा को देखे शेर मेरा जी जी। चांद जैसे चेहरे पे तुझको ना जाए गुरूर। तुझको ना जाए गुरूर। तुझको ना जाए गुरूर। आईने में अपना चेहरा छोड़ दे। आईने वाह 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 बहुत बहुत छोड़ दे। आईने में देखना तू अपना चेहरा छोड़ दे। अपना चेहरा छोड़ दे। आईने में देखना तू। आइए हाँ इसमें कई शेर और हैं जहन से निकल गए हैं। बहरहाल बहुत अच्छा। हाँ आपने फरमाइश की मैंने पढ़ा। मैं जिस वक्त यहाँ दरभंगा आया एक शख्स मुझे मिला। उन्होंने कहा कि यार आपको वो दुपट्टे के बिना ये लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती वो गज़ल आपको पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है। एक मतला मंसूर भाई और इंतखाब भाई डॉक्टर इंतखाब साहब आप कुछ कर चाहता हूँ। एक मतला दो तीन शेर पढ़ता हूँ समाज फरमाए। अच्छा हाँ पढ़ता हूँ और मैं गीत पढ़ सकता हूँ कि आप डांस करेंगे गीत में मगर गीत नहीं। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं मैं पढ़ता हूँ एक मतला दो तीन शेर उसके बाद में फहरिस्त तवील है इंशाल्लाह उनका भी कलाम सुनना। समाज फरमाए जी। सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती। तेरे बिन पुरवाइया अच्छी नहीं लगती। जहाँ भी हो चले आओ कि तन्हाई कालम है। वाह 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 क्या बात। जहाँ भी
हो चले आओ कि तन्हाई कालम है जहां भी हो कसम अल्लाह हकी ये दूरियां अच्छी नहीं लगती कसम क्या बात है दूरियां अच्छी नहीं लगती। और गजल का शेर पढ़ता हूं समाज फरमाए ना हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है वाह वाह न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है न हो तहजीब न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है न पर्दा जिसमें हो वो अच्छी नहीं लगती न पर्दा जिसमें हो वो खिड़कियां अच्छी नहीं लगती जहां पर प्यार बटता हो वो छप्पर खूबसूरत है वाह वाह जहां पर प्यार बटता हो वो छप्पर खूबसूरत है वो छप्पर खूबसूरत है जहां पर प्यार जहां पर प्यार बटता हो वो छप्पर खूबसूरत है जहां नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती जहां नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती अच्छी नहीं लगती। आइए वो शेर जिसकी मैंने बात की जी अच्छी हाँ नहीं नदिया के पार नाले के पार सब कहीं ले जा सकता हूँ मैं ऐसी बात नहीं है। फहरिस्त बहुत तवील है मैं एक शेर पढ़ता हूँ और समाप्त फरमाए अच्छी नहीं लगती चांदनी पढ़ता हूँ शेर समाप्त फरमाए अच्छी नहीं लगती। दरअसल ये आपको बताना चाहते हैं कि चांदनी यही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए चांदनी के लिए भी। चलिए चलिए अली बाराबंकी अच्छी नहीं लगती हया हया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है वाह वाह और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है इनकी जीनत है हया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है हया और के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती दुपट्टे के बिना ये लड़कियां वाह 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 अच्छी नहीं लगती अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छा आपने सुना। अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं इस गजल के जितने भी शेर हैं वो एक तरफ जाए और ये मेरा शेर एक तरफ रख दिया जाए वो शेर मैं पढ़ता हूँ बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ समाज फरमाए ये हासिले गजल अच्छी नहीं लगती अच्छी नहीं लगती वही अल्लाह वही
अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। मेरी माँ बहने भी तशरीफ रखती हैं यहाँ पे, मैं सबकी दुआ चाहता हूँ, पढ़ता हूँ समाज फरमाए, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वही अल्लाह जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, वो जिनको अच्छी नहीं लगती, वो जिनको भैया ये लाइट हटा दीजिए, दिक्कत पड़ रही है उन लोगों को, आप सामने से कैमरा चलाइए। वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। आइए एक गीत का एक मुखड़ा मैं पढ़ता हूँ समाधान में, अमेरी 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 मेरी 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 अमेरी 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 जान मेरे अमेरी जान मेरे अमेरी जान मेरे अमेरी जान मेरे साजना अमेरी अमेरी जान मेरे अमेरी जान मेरे अमेरी जान मेरे अमेरी जान मेरे साजना। कब होगा तेरा मेरा सामना, कब होगा तेरा मेरा सामना।